نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة النساء پارا 5 وما لیکن وا واو مطلب اور ما वमा और जो और क्या है। अब यहाँ पर माँ क्वेश्चन के लिए आया है, माँ इसको इस्तेफाम कहेंगे, ये क्वेश्चन के लिए आ रहा है। और क्या है लकुम तुम्हारे लिए, ला मतलब लिए और कुम तुम्हारे लिए यानी तुम्हें, ला युकातिलूना नहीं तुम सब जंग करते, फेले ये नफी के लिए आया है, ला युकातिलूना कातला युकातिलू फेले मुजारे है, नहीं तुम सब जंग करते, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फी मतलब में, सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वल मुस्तदअफीना और कमजोर हैं, और या हालांकि। देखिए यहाँ पर वाओ जो है ना वो हालिया इस्तेमाल हुआ है, हालिया किसको कहते हैं, हाल बताने के लिए, हालांकि वो कमजोर है, मुस्तदअफीना दुआद ऐन फा ज़ईफ कमजोरी के लिए आता है ना, उसी से दुआफ कमजोर, हालांकि वो कमजोर हैं और वो कमजोर हैं, तो यहाँ पर वाओ जो है वो हालिया हाल बयान करने के लिए आया है, हालांकि वो कमजोर हैं, मिन रिजाली मिन मतलब से, रिजाल मर्दों में से, वन निसाई और औरतों में से, वल विलदानी और बच्चों में से, वलद वलद से बना है, विलदान बच्चे, इसमें बेटा या बेटी दोनों आ जाते हैं, अल्लज़ीना वो जो, यकूलूना वो सब कहते हैं, कौला यकूलू से फेले मुजारे है, रब बना ए हमारे रब, अखरिजना निकाल हमें, अखरजा युखरिजू से बना है, ये अखरजा कहते हैं निकालने को, निकाल हमें मिन हाजिहिल बरकरियती, मिन मतलब से, हाजिही इशारा है, हाजी होता है ये या इस, और करिया करिया कहते हैं बस्ती को, इस बस्ती से, टाउन के लिए आता है, जालिमिन जालिमी जालिम है, अहलूहा उसके रहने वाले, अहलू रहने वाले, हा उसके, वजअल और बना दे, वा मतलब और, इजअल बना दे, जाला यजलू से फेले अम्र है, लना हमारे लिए, मिन लदुन का मिन मतलब से, लदुन का पास से, अपने पास से, वलियन कोई दोस्त, वली हिमायती, वजअल और बना दे, लना हमारे लिए, मिल लदुन का अपने पास से, नसीरा कोई मददगार। अब देखें जिहाद के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस आयत में कि किन जिहाद जो है कब कब किया जा सकता है, यानी जंग किस की कब कब की जा सकती है, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जंग की जाएगी, खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, जंग जो है वो ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं की जाएगी, दुनिया के फ़ायदे के लिए जो जंग होती है वो भी जंग अल्लाह के रास्ते की जंग नहीं कहलाती, जंग सिर्फ एक ही सिचुएशन में, कुछ ही सिचुएशन में फ़र्ज़ होती हैं, और वो ये कि एक तो अल्लाह के रास्ते के लिए वो जंग हो कि अल्लाह के रास्ते में निकलें, और दूसरा ये कि अपनी डिफेंस में, डिफेंसिव वॉर जो कहलाती है, कोई जंग करने आ रहा है तब अपने डिफेंस के लिए की जाएगी, और तीसरा यहाँ पर ये कि अगर कोई मजलूम है, कहीं पर कोई मजलूम है और वो बुला रहे हैं, यानी मर्द हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर लोग हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और वो जंग के लिए बुला रहे हैं और मदद मांग रहे हैं, तो उनको उनके जुल्म को दूर करने के लिए, यानी उनको जालिम से बचाने के लिए तब जंग की जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि मक्का में जब मुश्रिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जितने भी लोग ईमान लेकर आए थे बहुत ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए थे, 13 साल तक तो मुसलमानों को सिर्फ सब्र करने के लिए ही कहा गया था, उनको हाथ उठाने के लिए भी नहीं कहा गया था, लेकिन उनके जुल्म जो थे वो बढ़ते ही चले जा रहे थे,
और बहुत ज़्यादा उनके जुल्म बढ़ गए थे। तो जब जुल्म बढ़ गए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि अब यहाँ से हिजरत कर जाओ। तो फिर मुसलमान मदीना में हिजरत कर गए। लेकिन जो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर मर्द, कमज़ोर औरतें, बच्चे, वो पीछे ही रह गए थे। यानी कुछ लोग मक्का के अंदर ही रह गए थे। और मदीना में, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दी, उनको जो है मक्का में कारोबार भी अल्लाह ताला ने दिलवाया, अंसार दिलवाए उनकी मदद के लिए, अंसार थे जो उनके साथ शरीक हो गए थे, सुकून था उनके पास। तो मक्का वाले इस बात से भी किलसने लगे कि मुसलमानों को इतना सब सब कुछ सही कैसे मिल सकता है। तो इस बात से भी वो, और क्योंकि उनके पास भी कुछ गुलाम रह गए थे, मुसलमान गुलाम थे, बच्चे थे और बीवियां और घर वाले वो भी रह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये भी भाग ना जाएं, छोड़कर मदीना ना चले जाएं, तो और ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर करने लगे और ज़्यादा उनको परेशान करने लगे जो वहाँ मुसलमान रह गए थे। तो यहाँ पर हुक्म आया कि जो लोग पीछे रह गए हैं, यानी जब जंग का हुक्म आया, तब यह हुक्म आया कि जो लोग कमज़ोर हैं, जिस्मानी तरीके से कमज़ोर हैं या बीमार हैं या कम सामान की वजह से हिजरत नहीं कर सके, गुलाम हैं, बांदी हैं, अब जो काफिरों की कैद में थे, अब मुसलमान उनको छुड़ाने के लिए जंग करेंगे क्योंकि वो कमज़ोर लोग हैं और वो पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि इस कंडीशन में भी जंग की जा सकती है कि उनको बचाने के लिए, उनको जुल्म से छुड़ाने के लिए अब जंग करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। कि क्या है तुम्हें कि नहीं तुम जंग करते अल्लाह के रास्ते में, और जो कमज़ोर हैं मर्दों में से, औरतों में से, बच्चों में से, जो ये कहते हैं कि ए हमारे रब हमें निकाल इस बस्ती से कि जालिम हैं इसके रहने वाले, और बना अपने पास से कोई हिमायती और बना अपने पास से कोई मददगार, तो उनके लिए तुम जंग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बात मुनाफिकीन से भी कही जा रही है। पहले तो लोग जो कमज़ोर मुसलमान थे और मुनाफिकीन थे, वो ये कहते थे कि काश एक ही बार में जो है हुक्म आ जाए, हम जंग करें और मामला आर पार हो जाए, हम इतने जुल्म क्यों सह रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जंग का हुक्म दे दिया कि अब जंग के लिए निकलो, तो उनके ईमान डगमगा गए। और उन आगे जैसे कि आयत में आएगा, आगे उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी जंग का हुक्म क्यों आ गया, अभी तो हमें टाइम मिलना चाहिए था। तो उसमें भी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हो गया, कमज़ोर लोगों के लिए तुम्हें जंग करना है, जो पीछे रह गए उनके लिए तुम्हें निकलना है, उनको तुम्हें बचाना है। फिर आगे देखें आयत 76 में, अल्लदीना, वो लोग जो आमनू ईमान लाए, युकातिलूना, वो सब जंग करते हैं, कातला युकातिलू से, वो सब जंग करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, काफ ता लाम इसके रूट लेटर्स हैं, और जब काफ के ऊपर खड़ा जबर होता है या काफ के आगे अलिफ होता है, तो इसका मतलब होता है जंग करने के मायने। और अगर इसके ऊपर खड़ा जबर ना हो, सिर्फ खाली जबर हो और अलिफ भी ना हो, तो इसका मतलब होता है कत्ल करने के। तो यहाँ पर क्या है, जंग करने के मायनों में। और वो जो ईमान लाए वो जंग करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, युकातिलूना, वो सब जंग करते हैं, फी सबील तागूत, फी सबील रास्ते में, तागूत शैतान के रास्ते में, तागूत के रास्ते में। और तागूत हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि तागूत के बड़े वसी मायने हैं, जिसको जादू भी लिया गया है, शैतान भी लिया गया है, ठीक है। तागूत के रास्ते में, फ़कातिलू, तो तुम जंग करो, फा मतलब तो, कातिलु फेल अम्र है ये, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, कातिलु जंग करो, अउलिया दोस्तों से, अशैतानी शैतान के दोस्तों से। यहाँ पर शैतान के दोस्त किसको कहा गया है, मुशरिकीन मक्का जो वहाँ पर सता रहे थे मुसलमानों को, वो सब। इन्ना बेशक, कैदा चाल, शैतानी शैतान की, काना है, दईफा कमज़ोर, ये शैतान की चाल बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर मकसद बता दिया गया, जिहाद का मकसद बता दिया गया कि जंग और किताल वो सब करते हैं, लेकिन मोमिन और काफिर उन दोनों के मकसद अलग अलग होते हैं। मोमिन अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो गैर मोमिन होते हैं, काफिर होते हैं, वो शैतान की राह में लड़ते हैं।
तो इससे इस आयत से ये पता चलता है कि जिहाद यानी जद्दोजहद सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए होनी चाहिए और उसके हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए ताकि उसका कानून पूरी दुनिया में लागू हो, अमन और इंसाफ हो, हुकूमत अमन और इंसाफ की हुकूमत कायम हो। बस इसी एक मकसद के लिए जंग की जा सकती है, बाकी दुनियावी फायदे के लिए जंग नहीं की जा सकती, जमीन के टुकड़े के लिए जंग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग तो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हो लेकिन जो काफिर हैं वो शैतान के रास्ते में लड़ते हैं। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम शैतान के दोस्तों के खिलाफ जंग करो, उनसे लड़ो, बेशक शैतान की चाल कमज़ोर है। तो यहाँ पर ये भी अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी मुसलमानों को कि अगर वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर निकलेंगे, अपनी नियत को खालिस करते हुए निकलेंगे तो शैतान की चालों को कमज़ोर पाएंगे। तो इस बात पर यकीन होना चाहिए कि नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो शैतान की चाल कमज़ोर होकर ही रहेगी, यानी ये अल्लाह का वादा है कि उसकी चाल कमज़ोर है। हाँ, अगर हमारे मन में लालच आ जाए, दुनियावी फ़ायदे आ जाएँ तो फिर शैतान की चाल कमज़ोर नहीं रहती। वो उस वक्त होती है जब हमारा दिल नियत खालिस हो और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और फिर देखें यहाँ पर तागूत जो है मक्का वालों के लिए, कुफारे जो कुफार हैं यानी वहाँ के सरदार और जो सरदारान यहूद थे यानी यहूदियों के सरदार, उनके बारे में आया है कि तुम उनके खिलाफ जंग करो। फिर जंग के बारे में देखें क्या आता है हदीसों में भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने अल्लाह की राह में यानी जिस बंदे ने या कौम ने अल्लाह की राह में अपने पैर गुबार आलूद किए, यानी उस कौम के वो कौम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुई यानी निकली अल्लाह की राह में, तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसको आग छुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूब जान लो जन्नत तलवारों के साए में है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम निकलना दुनिया और माफीहा से बेहतर है, यानी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उन सबसे बेहतर है अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम निकलना। इसी तरह रिवायतों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स खालिसन खास तौर से अल्लाह की राह में जिहाद की नीयत से अपने घर से निकले और उसे अल्लाह के इरशादात का यकीन हो, यानी अल्लाह ने जो फरमाया उस बात का यकीन हो, तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा दे देगा या और सीधा जन्नत में दाखिल करेगा या सवाब या माल गनीमत दिलाकर खैर और आफियत से उसको घर लौटा देगा, यानी दोनों चीज़ों में से एक चीज़ उसको मिलनी ही मिलनी है। और फिर अल्लाह की राह में निकलना सिर्फ ये नहीं कि जिहाद, अल्लाह की राह में निकलना अल्लाह के दीन के लिए निकलना, कुरान को आम करना या अल्लाह के दीन की दावत के लिए निकलना, ये सब जो है इसी दर्जे में आते हैं। अगर इन सब काम को करते करते इंसान शहीद भी हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, यानी वो कुरान पढ़ने के लिए भी निकला या पढ़ाने के लिए निकला, उसी दौरान बीच में उसे कुछ हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको भी शहादत का दर्जा मिलता है। इसी तरह दावत के लिए निकला, अल्लाह ताला के दीन की दावत देने के लिए निकला और उसे कुछ हो जाता है तो वो भी शहादत का दर्जा, यानी वो भी दुनिया और माफीहा से बेहतर है। फिर देखें आयत 77 अलम तरा, क्या नहीं, तरा आपने देखा, रा से बना है तरा फेले मुजारे। अच्छा देखें ये तरा रा के बाद या था, तरा ता रा या, ठीक है, और यहाँ पर लम आ गया इससे पहले, और लम मैंने आपको बताया है कि लम जो है वो फेले मुजारे से पहले आता है और फेले मुजारे को वो माजी मनफी के मायनों में कर देता है यानी नेगेटिव में ले जाता है डिड नॉट के मायने में। क्योंकि लम जो है वो जज़म कर देता है, जज़म का मतलब होता है एक चीज़ को एक आवाज़ को ख़त्म कर देना, वो जज़म का मतलब होता है। तो यहाँ पर या को हटा दिया गया तो इसलिए यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तरा इसमें या हट गया है लम की वजह से। तो अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इल्लदीना, इला मतलब तरफ, अल्लदीना उन लोगों की तरफ, कालू
कीला कहा गया, कीला मजहूल है, ये माजी मजहूल है। कीला कहा गया लहुम उनसे, कुफू रो के रखो, कफा या कुफू से, कुफू अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं रो के रखो। देखें इसके रूट लेटर्स हैं काफा फा, कफा या कुफू, उकफुफ या कुफा, दोनों इसके फेल अम्र हो सकते हैं, के रो के रखो। आई दिया कुम अपने हाथों को, व अकीमु और कायम करो, अस्सलाता नमाज, व आतु और दो, जकाता जकात। फलम्मा फिर जब, कुतिबा फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, कतबा यक्तुबु से, ये माजी मजहूल है क्योंकि काफ के ऊपर पेश है। फर्ज कर दिया गया अलैहिम उन पर, अलकितालु जंग करना, इजा तब फरीकुन एक ग्रोह, उन एक ग्रुप एक ग्रोह, मिनहुम उन में से, यख्शौना वो सब डर रहे थे। देखे यख्शौना वो सब डर रहे थे, फेले मुजारे हैं, माजी में मायने हो रहे हैं इजा की वजह से, क्योंकि बात भी माजी की हो रही है। खशिया और यख्शा और इख्शा इसका फेल अम्र, वो सब डर रहे थे नासा लोगों से। का खशियती का मतलब जैसे के, खशियती डरना मजदर है ये, जैसे के डरना, अल्लाह ही अल्लाह से, औ या अशद्दा शदीद यानी ज्यादा, खशियतन डरना। वकालू और उन्होंने कहा, रब बना ए हमारे रब, लिमा क्यों, कतबता तूने लिखा, तूने फर्ज किया, कतबा यक्तुबू अलैना हम पर, अलकिताला जंग करना, लौला क्यों नहीं, अखरतना तूने मोहलत दी हमें, टाइम दिया मोहलत दी हमें, अखरतना यानी पोस्टपोन क्यों नहीं किया। अखरा युअखिरु अखिर, अलिफ खारा इसके रूट लेटर्स हैं। इला अजली अल इला अजलिन एक मुद्दत तक, करीबिन करीब की, कुल कह दीजिए, मताउ फायदा, अद दुनिया दुनिया का, कलीलुन बहुत थोड़ा है, वल आखिरतु और आखिरत, खैरुन बेहतर है, लिमन उसके लिए जो इत्तका तकवा करे डरे, वला और नहीं, तुज़लमूना तुम जुल्म किए जाओगे। ये मजहूल है जलामा यजलिमू से, मुजारे मजहूल है ये। अब इसमें देखें मुजारे में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, एक तो ता के ऊपर शुरू में पेश है और आखिर से पहले भी जबर होना चाहिए, तो पेश और जबर का कॉम्बिनेशन बताता है कि ये मजहूल है। और नहीं तुम जुल्म किए जाओगे, फतीला धागे बराबर भी। तो देखें क्या कि क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ, कीला कहा गया उन्हें, कुफू रो के रखो अपने हाथों को, और कायम करो नमाज और दो जकात, फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जंग करना, तब एक ग्रोह उनमें से, वो डर रहे थे लोगों से, जैसे कि डरना अल्लाह से या उससे भी ज्यादा डरना, और उन्होंने कहा ए हमारे रब क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जंग करना, क्यों नहीं तूने हमें मोहलत दी एक मुद्दत तक, करीब की, कह दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा करे, और नहीं तुम जुल्म किए जाओगे धागे बराबर भी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि पीछे बताया जा चुका अभी कि शुरू इस्लाम में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, तादाद में बहुत ज़्यादा कम थे, हुरमत वाले शहर में भी थे, मक्का में भी थे, और कुफार उन पर हावी थे, बहुत ज़्यादा थे कुफार, उनको हर तरह से सताते थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, उनको रोकने की कोशिश करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी सहाबा को उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी हर किसी पर उन्होंने जुल्म किया। आप सल्लम पर वैसा जुल्म नहीं हुआ, लेकिन आम मुसलमानों पर बहुत तरह तरह के उन्होंने जुल्म किए, लेकिन आप सल्लम पर भी उन्होंने सख्तियाँ की, बहुत ज़बरदस्त सख्तियाँ की, के जैसे कि हदीसों में भी सीरा में भी बताया जा चुका है कि आप सल्लम नमाज पढ़ते थे तो उनके ऊपर कुछ कुछ गंदगियां डाल दिया करते थे या बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, उनकी मुखालफतें बढ़ती ही जा रही थी उस पर, जो कमज़ोर मुसलमान थे कुछ
कमज़ोर ईमान वाले भी और मुनाफिकीन भी। तो उसमें वो कहने लग गए कि हमें जो है अल्लाह ताला जंग का हुक्म क्यों नहीं दे रहे, एक ही बार में क्यों नहीं हो जाता, मैदान में क्यों नहीं हम आ जाते एक ही बार में, मामला आर पार हो जाए, हम इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी कहा उनको कि हाथ रो के रखो, अभी सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, अभी सिर्फ तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, अभी सिर्फ यही फ़र्ज़ हुआ था कि नमाज कायम करो और ज़कात दो और अपने हाथों को रो के रखो, यानी उनसे अभी उनके ऊपर तुम अभी तुम जंग नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों, मुसलमान कमज़ोर भी थे, ताकत में कम थे, अगर उस वक्त अल्लाह ताला जंग का हुक्म दे देते तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता, उन पर वो लोग हावी हो जाते, और तादाद में वो लोग भी बहुत ज़्यादा थे, और कुछ मुसलमानों के पास अभी कुछ नहीं था, माल की कमी भी थी, हर चीज़ की कमी थी। फिर अल्लाह ने क्या कहा, बस नमाज कायम करो और ज़कात दो, अभी तुम्हारा काम यही है, और बर्दाश्त करो, अल्लाह के खातिर सब्र करो। और फिर जब कुछ सालों बाद मदीना जाने के बाद, हिजरत करने के बाद भी जब वो लोग शांत नहीं हुए, सख्तियाँ उनकी बढ़ने लगी, तो कुछ सालों बाद फिर हुक्म आया कि अब तुम जंग करो, अब तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया, जैसे जंगे बदर में आया था कि अब जंग करना है और जंग करना फ़र्ज़ है, अब अल्लाह के राह में निकलना ही निकलना है। तब मुनाफिकीन कहने लग गए, डरने लगे कि इतने से मुसलमान और इतने सारे मुखालफीन यानी काफिर, इतने सारे मक्का के कुरैश, उनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, मुसलमानों के पास तो कुछ भी नहीं है। आपको पता था ना जब पहली जंग हुई थी जंगे बदर में, 313 मुसलमान थे बस, काफिर से हज़ारों की तादाद में थे, हज़ार थे, उनके पास बहुत सामान भी थे, वेपन्स भी बहुत अच्छे खासे थे, खाने पीने का सामान भी था, मुसलमानों के पास वेपन्स नहीं थे, जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं थे। तो वो जितने भी मुनाफिकीन थे वो डरने लगे और कि हम कैसे करेंगे, हम उनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे। और फिर अल्लाह ताला के बारे में कहने लगे कि अल्लाह ताला आपने अभी फ़र्ज़ क्यों लिख कर दी, अभी अभी हमें थोड़ी सी मोहलत देनी चाहिए थी, अभी तो हम तैयार नहीं हैं। तो फिर उनके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके जवाब में यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कह दीजिए कि दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है, क्योंकि वो दुनिया को चाह रहे थे ना, उनके सामने दुनिया थी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दुनिया तो बहुत थोड़ी है, आखरत बहुत बड़ी है, और आखरत बेहतर है तकवा करने वालों के लिए, क्योंकि मेन बात यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तब कोई और चीज़ नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, और जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाता है उसमें बहुत बड़ी मसलहत होती है, और वही टाइम उसके लिए सही होता है, वही टाइम बेस्ट होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं ये टाइम सही नहीं है, ये वक्त बेस्ट नहीं है, आगे थोड़ी सी मोहलत और मिलनी चाहिए थी, जिस वक्त अल्लाह ताला हुक्म दे देते हैं वही काम जो है उसी टाइम पर और उसी जगह और उस वो सही होता है। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि आखरत उनके लिए बेहतर है जो तकवा करते हैं, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर इसमें देखें, याद रखने वाली बात इस आयत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि दुनिया में जितना भी माल मिल जाए, चाहे वो कारून के ख़जाने के बराबर ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन आखिरत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थोड़ा है। काश ये बात हम सबको समझ में आ जाए तो हम अल्लाह के राह में हमारे लिए निकलना भी आसान हो जाएगा और ख़र्च करना भी, क्योंकि हम इस वक्त तो माल के पीछे ही भाग रहे हैं, और हमारी मेजॉरिटी मुसलमान मेजॉरिटी हमारी सिर्फ माल के पीछे भाग रही है, अपने घरों में और अपने मालों में और उसमें बिजी हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोशिश बहुत कम लोगों की होती है। और जिनकी नहीं होती उनके पास बहाने ये होते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अल्लाह हमें हिदायत देगा तो हम कुछ करेंगे, अभी आप दुआ करें हमारे लिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें जो है हिदायत दे तो हम कुछ करेंगे, ये बहाने हमारे पास होते हैं। और फिर ये भी याद रखें कि ये बहाने अल्लाह ताला को चलने वाले नहीं हैं, जब मर जाएंगे तो अल्लाह ताला को तो सीधा सीधा जवाब देना पड़ेगा, बहाने अल्लाह ताला के सामने नहीं चलेंगे, कोई भी कितना भी उज़र पेश कर ले वो उस अल्लाह के सामने नहीं चलेगा। तो अल्लाह यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दुनिया तो बहुत थोड़ी है और आखिरत बहुत बड़ी है, इसलिए हमें किसी भी नेक अमल का बदला दुनिया में चाहने की बजाय कहाँ चाहना है, आखिरत में। ये ना सोचे दुनिया में उसका बदला मिलेगा, ये सोचे मुझे आखिरत चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखें, बहुत प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या, मेरी और दुनिया की मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर साया लेने के लिए किसी पेड़ के नीचे रुका फिर उसे छोड़कर आगे चल पड़ा।
यानी दुनिया सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ मुसाफिर जैसे कि पड़ाव डालते हैं, थोड़ी देर रास्ते में रुकते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं उस जगह को और चले जाते हैं। इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने टेस्ट लेने के लिए टेस्ट के लिए दुनिया में भेजा, थोड़ी सी थोड़ा सा हमें दुनिया में रहना है, फिर उसको छोड़ना है और फिर आगे चले जाना है। और हमारी कमज़ोरी क्या है कि हम दुनिया का फ़ायदा देखते हैं, आखिरत का नहीं देखते। तो तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट क्या है कि हम लोगों की तारीफ के बगैर काम करने में, यानी हम जो है ये चाहते हैं कि हमें तारीफ मिले तब हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। और अगर कर लिया अल्लाह के रास्ते में काम तो फिर ये सोचते हैं कि बहुत सारी तारीफें भी मिल जाएं साथ में। तो हमें जो है कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर काम करें, अल्लाह के राह में निकलें। दुनिया भी ज़रूरी है, दुनिया का काम भी करें, लेकिन ये सोचें, इस आयत को याद रखें कि दुनिया बहुत थोड़ी है, मरना है और अल्लाह के पास जाना है। इसलिए दुनिया के चक्कर में आखिरत का नुकसान ना करें, उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान है। आगे देखें आयत 78, आइनमा, जहां कहीं भी, तकुनू, तुम होंगे, काना यकुनू से बना है, तकुनू तुम होंगे, फेले मुजारे, जहां कहीं भी तुम होंगे, युद्रिकुम पा लेगी तुम्हें, फेले मुजारे है ये, अदरका से बनाए, अदरका युद्रिकु अदरिक, और यहां पर ये देखें, यहां पर है युद्रिकुम पा लेगी तुम्हें, अलमौतु मौत, वलऊ और अगर, कुन तुम हो तुम, देखिए कुन तुम काना यकुनू से बना है और कुन तुम जो है वो फेले माजी है और इसके मायने मुजारे में हो रहे हैं और आगे लऊ भी है, लऊ की वजह से भी, लऊ जो है उसकी वजह से भी हो रहे हैं और फिर काना जो है वो सेंटेंस के हिसाब से भी इसके मीनिंग होते हैं। और अगर हो तुम फी बुरूजिन, किलों में, बुरूज किलों में, बुरूज कहते हैं बेसिकली किलों को, और जो दिखाने की चीज़ होती है या जो ऊंची जगह पर होती है उसको बुरूज कहा जाता है। हो तुम किलों में, मुशय्यदतिन मजबूत, शदीद होता है ना, शदीद उसी से बनाए, मुशय्यद मजबूत, व इन और अगर, तुसिब हम पहुंचती है उन्हें, असाबा युसीबू से बना है, तुसिब हम पहुंची उन्हें, हसनतुन कोई भलाई, यकूलू वो सब कहते हैं, देखें यकूलू ना था, नून यहां से गिर गया, किसकी वजह से, आप पीछे पीछे इन आया है, इनकी वजह से यहां पर नून गिर गया, वो सब कहते हैं, हाज़िही ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से है, व इन और अगर, तुसिब हम पहुंचती है उन्हें, सैयअतुन कोई बुराई, यकूलूना वो सब कहते हैं, यहां पर भी काला यकूलू नून गिर गया इनकी वजह से, हाज़िही ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह, मिन इंदिका आपकी तरफ से है, कुल कह दीजिए, कुल्लुन सब, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, फमाली तो क्या है, हाउलाई उस, ये हाउलाई ना इशारा है, उलाई का भी हाउलाई भी इशारे में आते हैं, वो सब ये सब, तो क्या है इस कौमिन कौम को, ला यकादूना, ला मतलब नहीं, यकादूना करीब के, कादा यकादू होते हैं करीब के मायनों में, करीब नहीं करीब के, यफ कहूना वो समझें, फकाहा यफकहू से बना है ये, फकाहा कहते हैं समझने को, हदीसन कोई बात, क्या है उन्हें कि नहीं करीब के वो समझें कोई बात। अब यहां देखें कि मुनाफिकीन की बात हो रही है ये, कि वो क्या कहते थे कि वो क्योंकि डर रहे थे अल्लाह के रास्ते में निकलने से, डर रहे थे, जब जिहाद उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया तो वो निकलना नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पर वही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कहीं भी हो, अगर मौत का वक्त आ गया, क्योंकि हम ज़्यादातर मौत की वजह से डर के बैठते हैं, अगर अल्लाह के रास्ते में निकलना हो, दीन के काम के लिए निकलना हो, दावत के लिए निकलना हो, तो हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने हमें मार डाला या कुछ कह दिया हमें या हमें कुछ हो गया, तो हम इन सब बातों से डरते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं
कि तुम डर रहे हो, इस बात से डर रहे हो कि अभी तुम जो है जंग करना नहीं चाहते, मौत से डर रहे हो, तो ये सोच लो कि जहां भी इस वक्त तुम हो और तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए तो मौत तो तुम्हें आकर ही रहेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना छुप जाओ, किसी भी जगह क्यों ना छुप जाओ, मौत आकर ही रहेगी। और फिर जब मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, उन्होंने हिजरत कर ली थी, तो मदीना में सब कुछ था। और मुसलमानों के जाने के बाद जब थोड़ी सी दिक्कत आई, माल में थोड़ी सी कमी आई, या फिर फसल में और खाने पीने के सामान में जो है वो थोड़ी कमी आने लग गई, तो उस पर मुनाफिकीन कहने लग गए कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब मुसलमानों की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है, यानी ये भी जो तो जो भी कोई तकलीफ़ आ रही है ये मुसलमानों की वजह से आ रही है। और अगर उन्हें कोई अच्छाई पहुंचती थी, यानी अगर मुसलमान किसी जंग में शरीक होते थे और उनको जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, माल गनीमत मिलता था या बहुत कुछ उनको मिल जाता था, तो वो कहते थे ये तो इत्तेफाक से हुआ है, उसको इत्तेफाक बता दिया करते थे। और अगर कोई मुसीबत आती थी तो कहते थे ये मुसलमानों की वजह से ही है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है, उसका जिम्मेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे। तो अल्लाह ताला उनके जवाब में कह रहे हैं कि आप उन लोगों से कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, कोई बुराई हो कोई अच्छाई हो, सब किसकी तरफ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हो गया उस कौम को, क्या हुआ, ऐसा क्यों वो कोई बात क्यों नहीं समझती, कि उनको जब समझाया जाता है अल्लाह के बारे में बताया जाता है, आप सिर्फ समझाते हैं उनको, तो क्या हो गया उस कौम को कि वो कोई बात नहीं समझती। तो फिर वहां यहां पर यही बात आ रही है कि दुनिया, यहाँ पर यही बात फिर से आ गई पीछे देखें कि दुनिया जो है फिर बहुत थोड़ी है और आखिरत बहुत बड़ी है, तो उसकी नेमत भी अल्लाह ताला याद दिलवा रहे हैं पीछे, इसलिए उसकी नेमत, यानी इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात ये वहां पर रिपीट करी कि आखिरत में बहुत कुछ है और दुनिया में बहुत कम है, और आखिरत हमेशा की है, दुनिया बहुत थोड़ी है, और आखिरत में आखिरत की जो नेमतें हैं वो हर तरह की परेशानियों से पाक हैं, वहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दुनिया में जो नेमत मिलती है उसके साथ साथ तरह तरह की परेशानियां भी मिलती हैं। फिर आगे देखें आयत 79 में, माँ जो भी असाबका पहुंचती है तुम आपको, तुमको असाबा युसीबू, जो भी पहुंचती है तुमको, मिन हसनतिन कोई भलाई, फमिन अल्लाह तो वो अल्लाह की तरफ से है, वमा और जो असाबका पहुंचती है आपको, मिन सैयातिन कोई बुराई, फमिन नफसी का तो वो तुम्हारी नफ्स से है, यानी तुम्हारी अपनी तरफ से है, फअरसलना का और भेजा हमने आपको, अरसला युरसिलू और भेजा हमने आपको, लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह शहीदा गवाह। तो यहाँ पर रसूल के भेजने का मकसद अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह ताला पहले तो उनकी बात का जवाब दे रहे हैं कि कोई भी भलाई जब इंसान को पहुँचती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन इंसान को जब भी कोई नुकसान होता है, कोई भी परेशानी आती है, वो उसकी अपनी तरफ से आती है, इसलिए अस्तगफार पढ़ने के लिए कहा गया, गुनाहों की वजह से भी परेशानियाँ आती हैं, तो यहाँ पर यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हदीस में आता है कि इंसान को जो तकलीफ़ होती है, छोटी पहुँचे या बड़ी पहुँचे, तो वो उसके किसी गुनाह का नतीजा होता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करने को कहा गया। अगर इंसान को कोई हल्की सी ठोकर भी लग जाए कहीं, तो वो ये सोचे फ़ौरन कि मुझसे कुछ गुनाह हुआ है, तो फ़ौरन उस वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ दे, या कोई बड़ी परेशानी आ रही है तो सोच ले कि हो सकता है कि मेरे से कोई गुनाह हुआ हो, और वो फ़ौरन इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दे, इसलिए इस्तग़फ़ार से सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, सारी परेशानियां इस्तग़फ़ार से दूर होती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि भलाई जो पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो तुम्हारी अपनी वजह से आती है, कुछ ना कुछ तुमने किया होता है, या फिर आजमाइश भी होती है, क्योंकि आजमाइश भी अल्लाह ताला को लेनी होती है।
तो इसलिए फौरन इस्तिगफार की कसरत शुरू कर दें। और फिर यहाँ पर रसूल को भेजने का मकसद अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने रसूल क्यों भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्यों भेजा, रसूल को भेजने की ज़रूरत क्या थी, कि ताकि वो जो हैं लोगों को खुशखबरी सुनाएं, जन्नत की खुशखबरी दें, जहन्नम से बचाएं, लोगों को बुरे अंजाम से बचाएं, और अल्लाह फिर उसमें काफ़ी है, यानी गवाह अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए गवाह काफ़ी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दे रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कह रहे हैं, उनको भी तसल्ली दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए किसी परेशानी का बाइस बनकर नहीं आए, यानी आप लोगों के लिए कोई परेशानी बनकर नहीं आए, बल्कि आप तो लोगों के लिए खैर और आफियत बनकर आए हैं, आप तो लोगों को बुराइयों से निकालने के लिए आए हैं, वहाँ से निजात दिलाने के लिए आए हैं, जहन्नम से, इतनी बड़ी बुराई से आप लोगों को निकालने के लिए लाए हैं। और फिर आपका काम सिर्फ क्या है, लोगों तक पैगाम पहुंचा देना, और इस बात पर अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला काफ़ी है, बस आपको सिर्फ अल्लाह का काम करना है। फिर देखें ये आयत दोबारा से रिपीट हो गई, और इसमें अगर आप नोट करेंगे तो इसी में सूरह निसा में ये आयत कितनी बार रिपीट हो गई, तो देखें मन जो युति जिसने इताअत की, मन मतलब जिसने, अता युती, देखें यहाँ पर युती ऊ था, और आइन के ऊपर जो जज़म आया है ना वो मन की वजह से आया है, और आइन युती है और आइन के नीचे ज़ेर लगा इसलिए ताकि आगे मिलाने के लिए, वैसे है क्या ये वर्ड युती, जज़म है इसके ऊपर मन की वजह से, आगे मिलाने के लिए ज़ेर लगता है, जिसने इताअत की रसूला रसूल की, फ़कद तो दर हकीकत अता उसने इताअत की, उसने फॉलो किया अल्लाह अल्लाह को, यानी उसने इताअत की अल्लाह की, वमन और जिसने तवल्ला मुंह मोड़ा, तवल्ला या तवल्ला फेले माजी है ये, जिसने मुंह मोड़ा, फमा तो नहीं अरसलना का हमने भेजा आपको, अलैहिम उन पर हफीजा निगरान निगेबान। तो यहाँ पर इन सब बातों को करने के बाद जो रसूल की मुखालफत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा बताते हैं, आप सल्लम को नहीं मानते या अपनी मर्जी से चलते हैं, जो सुन्नत है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, बिदअतें ईजाद कर लेते हैं, इन सब को बात को करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, यानी जिसने रसूल का कहना माना उसने अल्लाह ताला का कहना माना, जिसने रसूल को की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, यानी जिसने रसूल को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे फूड स्टेप पर, यानी जो रसूल अल्लाह ने किया है बस वही हम पर वाजिब है और फ़र्ज़ है कि हम वही करें, और जो रसूल अल्लाह ने नहीं किया उसको हमें भी नहीं करना, और अगर हमने किया तो इसका मतलब ये कि हमने नई चीज़ ईजाद कर ली, दीन में बिदत ईजाद कर ली, और जिसका गुनाह बहुत सख्त है और कबीरा गुनाह है। तो बार बार अल्लाह के साथ, अल्लाह की इताअत के साथ क्या रहा है, रसूल की इताअत, तो उनको मानना बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, रसूल को फॉलो, रसूल की इताअत के लिए क्या करना है, एक तो पहले अल्लाह ताला की इताअत है, तो उसके लिए कुरान को समझना है, पढ़ना है, गौर और फिक्र करनी है उसमें, ताकि ये पता चले कि दुनिया में आने का मकसद क्या है और हमें करना क्या है। और उसके बाद हदीसों पर गौर किया जाए कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा, क्या फरमाया, क्या किया, कैसे किया, क्योंकि एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब कितना होता है, 100 शहीदों के बराबर। और फिर शहीद जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, सीधा जन्नतुल फिरदौस में, आला मकाम होगा उन लोगों का। तो इसलिए सुन्नतों को ज़िंदा करें, छोटी छोटी सुन्नतों को अपने घरों से स्टार्ट करें, छोटी छोटी सुन्नतों को ज़िंदा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें, और अपने ख्वाहिश के अकॉर्डिंग ना चलें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश जो होती है हमें बुराइयों की तरफ ले जाती है, जो हमारा दिल कह रहा है उसके अगेंस्ट काम करें, और ये सोचें कि ये काम कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बस ये, और आखिरत को सामने रख कर अपना हर काम करें, अगर जन्नत चाहिए तो, क्योंकि फिर जन्नत जो है वो आसानी से नहीं मिलेगी,
जन्नत के लिए जो है बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फूलों की सेज नहीं है, उसके लिए तो रास्तों में कांटे बिछे हुए हैं और बहुत मुश्किल से वहां तक इंसान पहुंचेगा। तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसके बाद, यानी ये कहने के बाद, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि फिर आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा गया, आपका काम सिर्फ नसीहत करना है, आप लोगों को नसीहत करें और उनको छोड़ दें, उनकी जिम्मेदारी फिर उनकी अपनी होगी। इसलिए इसमें हमारे लिए सीखने की बात यह कि हम अल्लाह के राह में निकलें, अल्लाह का काम करें, लोगों को नसीहत करें, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अगर वो नहीं मान रहा तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा फ़र्ज है उस तक पैगाम पहुँचा देना, उस तक अल्लाह ताला की बात पहुँचा देना, और फिर आगे हिदायत देना किसका काम है, अल्लाह ताला का काम है, क्योंकि अल्लाह ने फिर निगेबान बनाकर नहीं भेजा, फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी अगर वो नहीं मानता तो। लेकिन हमारा काम क्या है, एक बार उस तक पैगाम पहुँचा देना, अल्लाह ताला की बात पहुँचा देना।